तो वैसे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज एक और इंटरेस्टिंग जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पर्स के अंदर आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं रखनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये वाली गलती हम लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अपने पर्स के अंदर रख लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें होती हैं, या हो भी सकता है कि आपने जाने अनजाने कोई चीज़ ऐसी रखी हो अपने पर्स के अंदर जो आपको नुकसान पहुँचा रही हो। तो इसको लेकर के जो वास्तु है वो क्या कहता है, और इस गलती को आप सुधार लें, और आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो अपने पर्स से निकालनी है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में भूल करके भी कोई पुराना बिल, फालतू के रद्दी कागज़ ये सब नहीं रखने चाहिए, और इससे धन की जो देवी हैं लक्ष्मी वो नाराज़ होती हैं, वास्तु दोष बनता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, पैसा आपके पास नहीं टिकता है, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरी चीज़ है, पर्स में किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो नहीं आपको रखना चाहिए, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत हो, और अगर इनमें से अगर आप कोई सी भी गलती कर रहे हैं तो फिर आप ये मानते चलिए कि वास्तु के हिसाब से ये जो देवी देवता की जो तस्वीर है, या अगर आपने ऐसी चीज़ रखी है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, वो आपको नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाने वाली, तो ये ध्यान आपको रखना है, ये अशुभ माना जाता है। दूसरा यह है कि कुछ लोगों की आदत ये होती है कि पर्स में पैसों को तोड़ मरोड़ कर छिपा कर रखते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, और पैसे को सीधे आपको हमेशा एक लाइन में आपको अपने पर्स में रखना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं, तो लक्ष्मी इससे नाराज़ होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें आपको जहन में रखनी है। चाबी आपको नहीं रखनी चाहिए पर्स में, ऐसे करने से आपके जीवन में दरिद्रता आती है ये माना जाता है। कभी भी कट्टे फटे नोट नहीं रखने चाहिए, इससे आपको ये माना जाता है कि धन में जो लक्ष्मी का आगमन है वो रुकता है। और पर्स में कभी भी उधार का जो पैसा है वो भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने उधार का पैसा अपने पर्स के अंदर रखा है तो फिर ये भी आपको कहीं ना कहीं जो आपको असफलता है वो देने वाला होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आप देखेंगे कि इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो आपको मिलेंगे अगर आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो, और अगर आप इसको एज इट इज़ करते रहेंगे तो फिर आपको इसके जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो भी झेलने पड़ेंगे, और हो सकता है कि आपके जीवन की जो तमाम परेशानियाँ वो इस वजह से हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।